हेलो गाइस, मैं हूँ विद्याशंकर और आज हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और इस करंट अफेयर्स में आज हम कवर करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉपिक्स को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले करंट अफेयर्स के ऊपर। आज का जो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर्स है वो ये है कि वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद WWF के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो कि एक इंडिया का एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है जो कि अभी इस समय 16 स्टेट में चल रहा है और इससे टोटल 5 लाख चिल्ड्रन अक्रॉस 2000 स्कूल्स के यूथ एंड सिटीजन इसे हेल्प में यूज कर रहे हैं और इसके अभी तक रिसेंट में 5 एजुकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं। WWF जो है ये इंडिया के वाइल्ड लाइफ और नेचुरल हैबिटेट्स को कंजर्वेशन करने के लिए बनाया गया है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 27 नवंबर 1969 को हुआ था और अभी इसने रिसेंट में ही 50 ईयर्स अपना सेलिब्रेट किया है। इसका जो इंडिया का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट हैं जैम सैयद एन गोदरेज। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो ये बोल सकता है कि अभी रिसेंट के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के एम्बेसडर कौन है, यानी इसका आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। और अगर विश्वनाथन के बारे में पूछ सकता है कि वो कितने टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं, यानी 5 टाइम्स, और इसका मेन एम क्या है, यानी वाइल्ड लाइफ नेचुरल हैबिटेट्स को कंजर्वेशन करने के लिए। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 27 नवंबर 1969 को। इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है, इसके प्रेसिडेंट भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकता है कि इसके अभी करंटली कितने एजुकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, यानी 5 एजुकेशन प्रोग्राम इसके चल रहे हैं, कितने स्टेट में, 16 स्टेट में। आगे बढ़ते हैं आज के अपने सेकेंड अफेयर्स के बारे में, ये है COVID-19 के ऊपर। केरला के एक इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंट में एक चित्रा जीन लैंप एन करके टेस्ट किट डेवलप किया है जो कि COVID-19 का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स में दे देता है। जो चित्रा जीन लैंप एंड किट है ये नॉर्मल पहले जीन्स को 10 मिनट में डिटेक्ट कर लेता है और उसका रिजल्ट जो है वो 2 आवर्स के अंदर ही दे देता है। और ये 30 सैंपल्स एक सिंगल मशीन एक बार में डिटेक्ट कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, इस किट का नाम, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि उस किट का नाम क्या था जिसे केरला इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, उसका नाम है चित्रा जीन लैंप एन। और किस इंस्टीट्यूट ने इसे डेवलप किया था, श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी SCTIMST, इसने डेवलप किया था चित्रा जीन लैंप एन को। और इस किट को किसने फाउंड किया, DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसके लिए इस किट को बनाया गया है। इसके अंदर इसके डेवलपमेंट में मेन हाथ किसका था, एक सीनियर साइंटिस्ट ऑफ द बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी के विंग ऑफ SCTIMST हैं, उनका नाम है अनूप थेकू विटिल। इन्होंने मेन इस किट को डिस्कवर करने में अपना योगदान दिया है। हम तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा तीसरा करंट अफेयर्स ये है कि नासा के साइंटिस्ट ने एक अर्थ के जैसा ही एक प्लैनेट डिस्कवर किया है जिसका नाम है Kepler-1649। और ये पता चला 15 अप्रैल 2020 को। और ये जो प्लैनेट है वो अर्थ के साइज का है और इसका जो ऑर्बिटिंग जोन है वो एक ड्वार्फ स्टार है और इसका जो डिस्टेंस है वो अर्थ से करीब 300 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे है ये। और अगर इसका साइज कंपेयर किया जाए अर्थ के उसमें, तो इसका जो साइज है वो है कि 1.06 टाइम्स ये अर्थ से बड़ा है। और यहाँ पे टेम्परेचर भी कुछ अर्थ के जैसा ही होता है और अर्थ के जैसा ही ये अपना 75% जो एनर्जी है वो सन से लेता है। और नासा के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका जो प्लैनेट ऑर्बिट है वो रेड स्मॉल ड्वार्फ प्लैनेट है। इसका जो फाउंडिंग इन्फॉर्मेशन था वो एक एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर में पब्लिश किया गया था और जिसके ऑथर थे वैंडरबर्ग। हम बढ़ते हैं आज के अपने फोर्थ करंट अफेयर्स के ऊपर। पावर मिनिस्ट्री ने एक जल्द में ही अभी एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बिल पास किया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बिल 2020। इन्होंने
एक इसमें एक ड्राफ्ट प्रपोजल लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के बारे में, और उसका नाम दिया है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बिल 2020, और उसमें कुछ उन्होंने अपने सजेशंस दिए हैं स्टेक होल्डर्स के लिए। ये कब पास किया गया? 17 अप्रैल 2020 को, और इसका टैरिफ कमीशंस के द्वारा डिटरमाइंड होगा और हाई कोर्ट इसे प्रपोज कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के फिफ्थ करंट अफेयर्स के ऊपर। श्री संतोष गंगवर ने अभी हाल में ही एक नोडल ऑफिसर्स को डिजिग्नेट किया है वर्कर्स के ग्रीवेंस को दूर करने के लिए। इसका मेन एम ये है, जो उन्होंने डिजिग्नेशन दिया है उसका मेन ये है कि जगह जगह पे कंट्रोल रूम सेटअप करके जो लेबर वर्कर कंट्री में काम कर रहे हैं उनसे कोऑर्डिनेट किया जा सके, और इसको स्टेब्लिश करने के लिए 20 कंट्रोल रूम्स ऑल ओवर कंट्री में बनाए गए हैं, और ये चीफ लेबर कमिश्नर के अंडर में आता है, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने स्टेब्लिश किया है, और जगह जगह कंट्रोल रूम्स बना के उसके ऑफिसर्स भी उसके अंदर डिजिग्नेट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लास्ट करंट अफेयर्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आया होगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, और दोस्तों इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उन्हें भी ये वीडियो का हेल्प मिल सके, और शायद वो इस खोज में होंगे कि उन्हें करंट अफेयर्स डेली का मिले, तो आपके थ्रू उनको भी हेल्प हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।